हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 6 का थर्ड आउटकम करेंगे। वो हमारी है अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कहते इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है सिर्फ लॉस, ठीक है, और इंश्योर्ड उससे प्रॉफिट ना कमाए, ठीक है, इंश्योरेंस से प्रॉफिट ना बनाए, ठीक है, वो हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कहते हैं इंश्योर्ड शुड नाइदर बी बेटर ऑफ नोर वर्स वर्स ऑफ आफ्टर द क्लेम। कहते हैं क्लेम सेटल के मैं सेटलमेंट के बाद ना तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो और ना बहुत ज़्यादा बुरा, ठीक है। इंश्योर्ड का एक डेफिनेशन दी है, कहते हैं इंश्योरेंस इज मीन्ड टू एडेमनीफाई। इंश्योरेंस का मतलब है कंपनसेट द लॉस। एडेमनीफाई मीन्स एडेमनिटी मीन्स कंपनसेट द लॉसेज। कहते हैं ब्रॉडली अगर ज़्यादा देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एडेमनिटी, प्रिंसिपल एडेमनिटी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस शुड प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन आफ्टर द लॉस। इंश्योरेंस डेमिनिटी प्रिंसिपल एडेमिनिटी बताता है कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योर्ड को सेम पोजिशन पे लेके आती है, फाइनेंशियल पोजिशन पे लेके आती है जो वो लॉस से पहले था, ठीक है, एज दे इंजॉयड बिफोर इट, वो जैसे उसको इंजॉय कर रहा था, नॉट बेटर, और उससे नहीं, वो उससे अच्छा भी नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उसी फाइनेंशियल पोजिशन पर लेके आएगी जिस पर वो पहले था, ठीक है। द प्रिंसिपल एंडेमनिटी इंश्योर दैट इंश्योरेंस कैन नॉट यूज टू मेक अ प्रॉफिट। और जो प्रिंसिपल एंडेमनिटी ये भी इंश्योर करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड प्रॉफिट ना बनाए। आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो डिस्कस करते हैं। जैसे राम इंश्योरेंस, वो अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है जिस उनकी गाड़ी की कीमत है 2 लाख रुपए। कहते हैं वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका डैमेज होता है 45,000, ठीक है, 45,000। कहते हैं इस केस में जो प्रिंसिपल इंडेमनिटी कहता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेट करेगी राम का लॉस ओनली 45,000 ओनली, ठीक है, जो जो अमाउंट ऑफ डैमेज है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, कहते एक बैंक है, ठीक है, उसने 50,000, अब बैंक हैज़ टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 50,000 की, ठीक है, अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट इन द लोन रीपेमेंट बाय द पर्सनल ऑफ लोन बोरर, कोई किसी लोन के अगेंस्ट, ठीक है। तो अभी लोन का 10 ईयर है, मतलब पीरियड है 5 साल का, आफ्टर 1 साल के बाद एक 10,000 बंदा पे करता है, उसके बाद नहीं करता तो बोरर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो बैंक अपना क्लेम फाइल करता है और इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी एज़ पर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली रिमेनिंग अमाउंट पोर्शन पे करेगी जो है 40,000, 10,000 को छोड़ के। एक थर्ड सिचुएशन दी है, कहते एक प्राइवेट कंपनी है, उसने अपना एक इंश्योरेंस कवर लिया है फ्रॉड वाला, ठीक है, फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज़ या मिस अप्रोप्रिएशन बाय एम्प्लॉयज़, वो है 1 लाख का। कहते ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड एक एम्प्लॉई फ्रॉड करता है, उसका उसको बनता है अराउंड 1.5 लाख। अभी यहाँ देखने वाली बात है कि जो उसने पॉलिसी वो लिया है, मतलब सम इंश्योर्ड लिया है, वो लिया है 1 लाख का, बट अभी लॉस हुआ 1.5 लाख का, ठीक है, 150 लाख। तो यहाँ पे द कंपनी फाइल्स अ क्लेम, अभी कंपनी क्लेम करती है इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, तो जो फ्रॉड वाला क्लेम था, ठीक है, एक्सटेंड हुआ उसका 1.5 लाख का, बट वो पेड इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी 1 लाख, क्योंकि सम इंश्योर्ड 1 लाख था, ठीक है। तो कंपनी हैज़ टेकन द इंश्योरेंस कवर ओनली एक्सटेंड टू द, अभी जिसने जैसा उतने लिया हुआ था सम इंश्योर्ड, तो उसके हिसाब से उसकी पेमेंट हो जाएगी, और उससे मीन्स कि अभी उसका नुकसान तो ज़्यादा हुआ था, बट इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे, वो पे नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज उसका एक्सटेंट ही डैमेज इतना था। एक डायग्राम दी हुई है, कहते हाउ एडमिनिटी वर्क्स। गाड़ी बंदे की गाड़ी है, उसके मोटर इंश्योरेंस करवाई हुई है, एकदम से उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस ऑफिस में जाता है, इंश्योरेंस कंपनी में जाता है, वो वहाँ पे क्लेम करता है, ठीक है, तो उसको जैसी वो पहले कंडीशन में था उसको उसकी गाड़ी उसी कंडीशन में मिलेगी, ठीक है। इन केस ऑफ डैमेज टू द कार और इक्विपमेंट इन द फैक्ट्रीज द क्लेम अमाउंट विल बी पेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। कहते हैं जब कोई गाड़ी का नुकसान होता है या कोई फैक्ट्री में नुकसान होता है तो उसको क्लेम अमाउंट मिलेगी वो आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसकी जो उसकी डेप्रिसिएशन कट के, ठीक है, और दिस अमाउंट कहते वो लेस होएगी कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट,
ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट लेस होएगी, कम होएगी। कहते हैं जो कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो बेस होता है लॉस शेयरिंग पे, जो जिनको सेम रिस्क होता है उनको वो इकट्ठा किया जाता है और उनका रिस्क आपस में शेयर किया जाता है। मोर ओवर कहते हैं इंश्योरेंस कवर्स लॉसेज ड्यू टू पैरल्स, और वही लॉस कवर है जो पैरल्स के अगेंस्ट होते हैं, जो पैरल्स होती है तभी वो वाले लॉस कवर होते हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं और नॉट प्रडिक्टेबल हैं, जो जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते पैरल लॉसेज को, या अनप्रडिक्टेबल हो, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता कि हाँ जी अनइंटेंशनल, ठीक है, सोचा भी नहीं जा सकता जो हो सकते हैं वो, ठीक है, जो जो खुद ब खुद होते हैं, ठीक है। और द प्रिंसिपल इंडेमनिटी कहते हैं इम्प्लिसिट इन ऑल दीज कंसेप्ट, और इन द प्रिंसिपल इंडेमनिटी सभी केसेस में लागू होता है, ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट्स में। कहते हैं अगर छोटी टर्म में बोला जाए तो इंश्योरेंस शुड बी टेकन विद द फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और इंप्लिसिटिंग डैमेज ऑन द प्रॉपर्टी एंड मेकिंग एग्जरेटेड क्लेम लॉसेज। कहते हैं इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस नॉट बी टेकन, तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के लिए या डैमेज जो हो रहा है प्रॉपर्टी को, उसको क्लेम के लॉस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं इशू होएगी, ठीक है। दिस वुड ओनली, कहते हैं ये तो एक तो इलीगल होएगा, ठीक है, और दूसरा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होएगा। कहते हैं रमेश एक बिजनेसमैन है, उसके पास 50,000 का स्टॉक है उसकी शॉप में, बट किसी कारण की वजह से वो बिक नहीं रहा, बट उसने उस स्टॉक की 50,000 रमेश ने उसका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है, ठीक है। तो अभी कहते ड्यू टू सम रीज़न, कुछ कारण के कारण उसका वो सेल नहीं हो रहा स्टॉक काफ़ी समय से, तो उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू उसने उस स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए उसने इंटेंशनली जानबूझ के उस स्टॉक को आग लगा दी, और फिर क्लेम कर दिया इंश्योरेंस कंपनी में कि उसको आग लग गई है बाय शॉर्ट सर्किट। उसने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी में, हाँ जी मेरे स्टॉक को आग लग गई है शॉर्ट सर्किट की वजह से। बट जब इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेट करवाई और उनको पता चला सच्चाई का कि वो, और उन्होंने क्लेम के लिए मना कर दिया क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट था, उनको बाद में पता चला कि हाँ जी वो फायर इंटेंशनली थी। तो इसीलिए कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो डू नॉट पे द एक्सीडेंटल क्लेम ड्यू टू द सेल्फ इनफ्लिक्टेड इंजरीज, जो जानबूझ के इंजरीज होती हैं उनको वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है द प्रिंसिपल इंडेमनिटी ऑल्सो मेक्स, वो ऑल्सो मेक श्योर दैट, वो एक पक्का करती है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो डज नॉट मेक अ प्रॉफिट, वो उससे प्रॉफिट ना ले इंश्योरेंस पॉलिसी से, मेकिंग द सेम क्लेम, एक क्लेम दो इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, एक ही क्लेम दो इंश्योरेंस कंपनी से करके वो उससे प्रॉफिट ना ले, तो वो प्रिंसिपल इंडेमनिटी देखता है, ठीक है। एग्जांपल दिए यहाँ पे, कहते अर्जुन है, उसने इंश्योर्ड अपना घर इंश्योर्ड करवाया है 50,000 का, उस 5 लाख का उसका घर है, उसने वो टू कंपनी से उसने इंश्योर्ड करवाया है, वो भी 5-5 लाख का ईच, तो अभी 5-5 लाख दोनों तरफ से उसने इंश्योर्ड करवाया है। कहते सपोज देर इज़ अ डैमेज ऑफ द हाउस, कहते उसका घर डैमेज हो गया मानो, और उसका घर नुकसान हुआ 3 लाख का, तो अर्जुन कांट, कहते भी अर्जुन है अभी वो उससे प्रॉफिट नहीं बना सकता कि हाँ जी 3 लाख एक कंपनी से ले लिया और 3 लाख दूसरी कंपनी से ले लिया, टोटल होगा 6 लाख, तो अभी वो 6 लाख का प्रॉफिट नहीं बना सकता टू कंपनी से, ठीक है, 3 लाख एक कंपनी से 3 लाख एक कंपनी से। कहते इन दिस केस में तो टू इंश्योरेंस कंपनी, जो दो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रिंसिपल इंडेमनिटी वो आपस में लॉस शेयर करेगी 3 लाख का, 1.5-1.5 लाख कह लो, ठीक है, अगर 5-5 लाख का और प्रीमियम सेम रहेगा तो वो अपने में उसमें आपस में लॉस शेयर कर लेगी 1.5-1.5 लाख, और उनको उसको उसको इंडेमनिफाई कर देगी अर्जुन को, जो उनका अमाउंट रहेगी 3 लाख जो उसका लॉस हुआ है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इनकम। कहते हैं कुछ केसेस में जो फ्यूचर पोटेंशियल लॉसेस है वो भी कंपनसेट होते हैं, वो भी कवर होते हैं, जैसे बिजनेस लॉसेस, पर्सनल इनकम लॉसेस। बिजनेस लॉसेस में क्या है कि एक बंदे की फैक्ट्री है, उसमें कुछ नुकसान हो गया ड्यू टू फायर, तो अभी उसको टाइम लगेगा, अगर फायर लगी है तो उसको टाइम लगेगा उसकी फैक्ट्री को रीस्टोर होने में, नॉर्मल कंडीशन में आने में, तब तक उसका ऑपरेशन नहीं चलेगा और उसकी प्रोडक्शन नहीं होएगी, तो उसको वो अभी कुछ प्रोडक्शन नहीं होगी तो कुछ सेल भी नहीं कर सकेगा, ठीक है, इसलिए उसको प्रॉफिट में लॉस होएगा। कहते जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये पोटेंशियल बिजनेस लॉसेज भी कवर करती है। पर्सनल इनकम लॉसेस, कहते अभी एक्सीडेंटल एन इंडिविजुअल एक बंदा है, उसने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली है या कोई एक राइडर पॉलिसी ली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, काम पे नहीं जा सकता एक्सीडेंट के कारण, तो
दे कैन मेक अ क्लेम, तो वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी में फॉर द कंपनसेशन ऑफ इनकम ऑफ लॉस, लॉस के इनकम के लिए या अर्निंग के लिए उसके लिए, तो इफ़ द पॉलिसी प्रोवाइड इट, अगर पॉलिसी में ऐसा है तो उसको वो लॉस ऑफ इनकम या अर्निंग जो उसकी हो रही है, लॉस हो रहा है अर्निंग का, तो उसको कंपनी पे करेगी। कहते हैं अडेमिनिटी इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके okay, कहते हैं जो आमतौर पे जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें प्रिंसिपल और डेमिनिटी वर्क करता है, बट लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, ये इसमें एक्सेप्शन है इस रूल की, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रिंसिपल और डेमिनिटी नहीं है, ठीक है ओके। एंड द प्रिंसिपल इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है वो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट हैं। कहते यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि एक्सटेंट लॉस जानने की कितना भी लॉस हुआ है, ठीक है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इन, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको फुल सम अशोर्ड पे किया जाएगा, ठीक है ओके। एग्जांपल दिए यहाँ पे कि कहते करण ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 10 लाख की 20 साल के लिए, तो करण का प्रीमियम वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा था, ठीक है। होता क्या है कि सेवंथ ईयर्स में पॉलिसी के जो नॉमिनी है अभी उसकी डेथ हो जाती है और नॉमिनी फाइल क्लेम करता है, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फुल पॉलिसी बेनिफिट जो 10 लाख थी वो उसको पे करेगी, ठीक है। और एक दिया है नेक्स्ट, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अभी लाइफ इंश्योरेंस में अभी प्रिंसिपल और डेमिनिटी फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में जैसे था कि एक वो उससे बेनिफिट भी नहीं ले सकता दूसरी कंपनी से भी, है ना, ठीक है, वो वाला बताया है इसमें। कहते हैं जी अभी जैसे लाइफ इंश्योरेंस में डेमिनिटी फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, तो कहते हैं इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन टू पॉलिसीज फ्रॉम टू डिफरेंट कंपनीज, अगर एक बंदे ने दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है दो अलग अलग कंपनी से, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस केस में द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ क्लेम डज नॉट अप्लाई, तो वो जो शेयरिंग वाला लॉस हम जर्नल में डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं होएगा, ठीक है ठीक है। एग्जांपल देके समझेंगे इसको। दिया है कि एक अमित है, ठीक है, अमित ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है 5 लाख की फ्रॉम कंपनी ABC और 10 लाख की इंश्योरेंस करवाई है फ्रॉम कंपनी XYZ। कहते अगर अभी अमित की डेथ हो जाती है तो अमित का नॉमिनी है तो वो कंपनसेट करेगा, उसको मिलेगा टोटल लॉस 15 लाख, तो उसने 5 लाख लिया था ABC से कंपनी से और 10 लाख का लिया था XYZ से, तो अभी टोटल दो कंपनी से लिया, यहाँ पे आई प्रिंसिपल आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रहा तो ना ही उसमें कंट्रीब्यूशन दोनों कंपनी करेगी, तो उसको फुल पे अमाउंट पे होएगी, ठीक है, तो 5 लाख फ्रॉम ABC एंड 10 लाख फ्रॉम XYZ। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये वाले वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अडेमिनिटी, ये अडेमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हैंस द प्रिंसिपल अडेमिनिटी डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसलिए जो प्रिंसिपल अडेमिनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस में फॉलो नहीं किया जाता। अडेमिनिटी इन जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में कहते इन द केस ऑफ इंश्योर्ड कैन आइडेंटिफाई इन फोर वेज में वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसमें कौन सा है, आइडेंटिटी होएगी रीइंस्टेटमेंट, कैश पेमेंट के थ्रू या रिपेयर के थ्रू या रिप्लेसमेंट के थ्रू। कहते जो फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिटी, कहते जनरल इंश्योरेंस में ये देखा गया कि काफ़ी डिस्प्यूट होते हैं जब क्लेम सेटलमेंट किया जाता है, क्योंकि वो लॉस जो है वो असेस किया जाता है क्वालिफाइड सर्वेयर के थ्रू, ठीक है, तो ये कई बार ऐसा डिसीजन होता है जो चैलेंज्ड होता है इंश्योर्ड के लिए, तो उसको डिफ़िकल्ट लगता है वो एक्सेप्ट करना, बट इन जनरल इंश्योरेंस, कहते जनरल इंश्योरेंस में प्रिंसिपल इंडेमनिटी अप्लाई होता है डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, वो कौन से हैं, क्लास ऑफ इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर सच एज प्रॉपर्टी लाइबिलिटी एक्सेट्रा, टाइप ऑफ द पॉलिसी। एक एप्लीकेशन ऑफ इंडेमनिटी दिया हुआ है यहाँ पे, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में कैसे है, कहते जो मशीनरी को डेमनीफाई किया गया है बाय सिमिलर मशीन्स, अभी किसी मशीन का नुकसान हो जाता है तो उसको कॉस्ट पेमेंट की जाएगी, उसकी पे की जाएगी उसकी सिमिलर मशीन की अमाउंट देके आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन चार्जेस, जो उसके वियर टीयर का लॉस हुआ है वो काट कर, ठीक है, तो प्रिंसिपल इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली अप्लाई होएगा।
कहते हैं इन केस ऑफ रियलिटी वाली न्यू मशीनरी, अगर वो तो पुरानी मशीनरी थी, अगर कोई मतलब चल रही थी जिसमें वियर टीयर हो रही थी, है ना, जिसमें वियर एंड टीयर हो रही थी, मींस कि घिस रही थी वो, ठीक है, बट अभी न्यू मशीनरी में, इन द केस ऑफ रियलिटी वाली न्यू मशीनरी, अभी न्यू मशीनरी में नुकसान हो जाता है तो वो अंडर द पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी प्रोवाइडेड द पेमेंट ऑफ द न्यू मशीनरी, तो उसको पेमेंट प्रोवाइड करेगी न्यू मशीनरी के, ठीक है ठीक है, या उसको सेम टाइप की मशीनरी प्रोवाइड करवाएगी विदाउट डिडक्शन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन, विदाउट डिडक्शन डेप्रिसिएशन काट के। हाउएवर फिर भी कहते हैं इफ़ प्रॉपर्टी हैज़ सर्टन एडिशनल फेवरेबल फीचर्स, अगर उसमें डिफरेंट फेवरेबल फीचर्स हैं तो सूटेबल डिडक्शन फॉर द बेटरमेंट इज मेड, तो कुछ डिडक्शन होएगी उसमें। ओके, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं एक इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू IDV, ठीक है, अभी दिस रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरर्स सेलिंग प्राइस, अभी ये सेलिंग प्राइस बता रहा है जो व्हीकल का, कहते तो इन केस ऑफ द डैमेज IDV इज टोटल डैमेज, IDV इज पेड आफ्टर द डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ द सालवेज, सालवेज काटने के बाद जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो पेमेंट की जाएगी। कहते हैं इन रिपेयरेबल लॉसेस, जो कार जो मोटर इंश्योरेंस है उसमें रिपेयर होएगी लॉसेस, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर पे की जाएगी, जो रिपेयर की कॉस्ट है वो पे की जाएगी सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ द न्यू प्ले, अगर कोई उसमें पार्ट नया डाला तो उसमें डेप्रिसिएशन कटेगी। ओके, इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस कहते हैं एग्रीड पॉलिसी में जो मरीन कार्गो इंश्योरेंस है तो उसमें सम इंश्योर्ड रिप्रेजेंट करता है कि जो उसमें सामान है उसकी कॉस्ट कितनी है, या फ्राइट की या अदर इंसिडेंटल चार्जेस कितने हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पे होएगी इसमें, ठीक है, रीजनेबल परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। ओके, कहते इन केस ऑफ मरीन हुल इंश्योरेंस द एग्रीड वैल्यू पॉलिसीज आर इशूड, तो एग्रीड वैल्यू पॉलिसी इशू की जाती हैं फेयर ऑफ वैल्यू शिप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज इज फिक्स्ड बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनीज एंड द इंश्योर्ड, ठीक है। ओके, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस में लाइबिलिटी पॉलिसीज मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, पब्लिक लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्सेट्रा, कहते हैं इसमें इंडेमनीफाई किया जाएगा इंश्योर्ड को जब जितना उसका डैमेज होएगा बाय लॉ, ठीक है बाय लॉ के थ्रू वो जितना उसका डैमेज होएगा उसका उसको पर्सनल इंजरीज होएगी या डैमेज होएगा उसको या उसकी प्रॉपर्टी को, तो वो या प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी तो उसको पे किया जाएगा, बट वो ला के द्वारा सॉर्ट आउट होना चाहिए, सोलो होना चाहिए। आगे कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो कहते हैं अफेक्ट करते हैं इंडेमनिटी को, कहते हैं इंश्योर द इंश्योर्ड इज प्लेस्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन, जो जैसे वो अपने लॉस से पहले, ठीक है, जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे था, ठीक है, अकरेंस ऑफ द लॉस इंसिडेंट वापरने से पहले जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे पहले था तो वही इंश्योर करती है इंडेमनिटी, इंश्योर्ड को उसी पोजीशन पे लेके आती है, तो ठीक है, तो ये कहते हैं नीचे दिए कुछ टूल यूज़ होते हैं उसको उसी पोजीशन पे लाने के लिए। फर्स्ट है डिडक्शन फॉर अंडर इंश्योरेंस और कंडीशन ऑफ एवरेज, ठीक है, तो अंडर इंश्योरेंस या कंडीशन ऑफ एवरेज एक टूल है, कहते हैं अगर एक इंश्योर्ड है उसने अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई है लेसर देन एक्चुअल वैल्यू से लेस उसने अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई है, तो इसलिए कहते हैं वो अनफेयर होएगा अदर कंट्रीब्यूटर ऑफ द प्रीमियम टू पे हिम अ फुल लॉस, तो ये कहते हैं अनफेयर होएगा, ठीक नहीं होएगा अगर उसको प्रीमियम जो उसने पे किया उससे ज़्यादा पे किया जाए तो। हैंस द प्रोपोर्शनेट डिडक्शन ऑफ अंडर इंश्योरेंस इज मेड, तो जो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन है उसको वो काट कर वो पे करेंगे, ठीक है, जिसको हम कंडीशन ऑफ एवरेज बोलते हैं। एग्जांपल दिए यहाँ पे एक, कहते हैं कि करण है उसने अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी है 5 लाख की, ठीक है, बट उसने अपना तीन लाख का वो लिया है सम इंश्योर्ड, तो कहते हैं अगर उसके 50,000 का लॉस होता है उसकी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, तो जो कंपनी है वो पे करेगी, ही विल पेड ओनली 3/5, ठीक है, जो 3/5 और 50,000 का वो 3/5 पे करेगी एज अ कंपनसेशन। ओके, एंड नेक्स्ट डिडक्टिबल्स एंड एक्सेस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस डज नॉट कवर लॉसेस दैट आर सर्टन एंड फॉर नॉट फ्रीटीएस, वो कवर लॉस नहीं करती जो सर्टन होते हैं, ठीक है, जो पक्का पता होता है कि हाँ जी होने हैं, ठीक है। कहते हैं टू इंश्योर दैट ऑर्डिनरी एंड सर्टन लॉसेज, तो इसी कुछ ऑर्डिनरी और सर्टन लॉसेज को, मतलब कम अमाउंट के लॉसेज को, ठीक है, रिम्बर्समेंट करने के लिए एक्सेस ऑफ या डिडक्टिबल अप्लाई होता है
अंडर राइटर के द्वारा जब वो पॉलिसी बनती है, विच इज़ द अमाउंट ऑफ लॉस द कस्टमर हैज़ टू बियर, जो वो मिनिमम अमाउंट कुछ रख दी जाती है जो कस्टमर को पे करनी ही पड़ती है, ठीक है। फोर कहते हैं मरीन कार्गो पॉलिसी, मरीन कार्गो पॉलिसी में कहते हैं 1% कंसाइनमेंट का कस्टमर को बियर करना पड़ता है, आप 1% ऑफ द कंसाइनमेंट। ओके, तो एग्जाम्पल दिए एक कहते हैं इफ अ लॉस ऑफ 1 लाख, अगर लॉस हुआ है बंदे का 1 लाख, ठीक है, तो कंसाइनमेंट की वैल्यू है 5 लाख, तो 1% ऑफ कंसाइनमेंट हुआ 5,000, कैन द पे, फिर कस्टमर को पे क्या होएगा, देन द लॉस पेबल टू द इंश्योर्ड विल बी 1 लाख माइनस 1%, ठीक है, 1% ऑफ 5 लाख, तो 5 लाख का 1% हुआ 50,000, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 50,000, सॉरी 5,000, माई मिस्टेक, तो 5 लाख का 1% हुआ 5,000, तो अभी उसका लॉस हुआ 1 लाख, तो माइनस 1 लाख माइनस 1%, 1% 5,000, तो हमारा ये उसको पे होएगा नेट 95,000, ठीक है, 95,000। थर्ड सिचुएशन दी है कि मैक्सिमम अमाउंट रिकवरेबल इन द जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी मैक्सिमम अमाउंट कितनी होती है, द मैक्सिमम अमाउंट रिकवरेबल अंडर एनी पॉलिसी इज सम इंश्योर्ड, जो सम इंश्योर्ड है तो वही रिकवरेबल होती है, और द एक्चुअल लॉस, जहाँ एक्चुअल लॉस होता है तो विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा रहेगा वो चीज़ रिकवरेबल होगी। यहाँ दे दिए एग्रीड वैल्यू पॉलिसी, एग्रीड वैल्यू पॉलिसी कौन सी होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं ऑन स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सच एज आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, ऑब्सोलीट मशीनरी, कुछ पुरानी मशीनरीज, विंटेज कार, जो विंटेज कार होती हैं जैसे एम्बेसडर्स वगैरह से पहले वगैरह जो विंटेज कार्स वगैरह है, ठीक है, उनकी वैल्यूएशन कहते करनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, क्योंकि उनका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, वो तो बिक नहीं रही अभी, है ना, जैसे तो इन केसेस में तो इंश्योर्ड है और एन इंश्योरेंस कंपनी है वो आपस में एक एग्रीड कर लेते हैं कि वैल्यू, हाँ जी आपका अगर लॉस पे होएगा तो हम वो उसको इतनी अमाउंट पे करेंगे, तो वो पॉलिसी इशू होती है, एग्रीड वैल्यू पॉलिसी इशू हो जाती है। कहते हैं सम टाइम्स एक्सपर्ट को बुलाया जाता है ऑब्टेन करने के लिए एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, तो एक एक्सपर्ट आता है वो वैल्यू सर्टिफिकेट इशू करता है उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, दिस इज डन टू अवॉइड डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट अगर मानो क्लेम के टाइम डिस्प्यूट आ जाता है कि हाँ जी हमने इतनी एग्री की थी, तो इसलिए वो एक एक्सपर्ट को बुला लेते हैं उसकी वैल्यू एग्रीड कर मतलब एक सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, तो वो डिस्प्यूट नहीं होता आफ्टर अ लॉस होने के बाद। कहते इन द इवेंट ऑफ द लॉस द एग्रीड वैल्यू इज़ पेड एज कंपनसेशन, जब लॉस होता है, जब क्लेम आता है, तो जो एग्रीड वैल्यू होती है तो वो पे की जाती है एज ए कंपनसेशन। नेक्स्ट आउटकम है हमारा फोर्थ आउटकम, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। कहते कोरोलरीज रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिटी। कहते देर आर टू प्रिंसिपल्स विच आर कोरोलरीज और टू द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिटी, दे आर एज फॉलो। पहला है सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। कहते वंस द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेटेड द इंश्योर्ड लॉस फाइनेंशियल लॉस, अगर कहते इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेट कर दिया इंश्योर्ड का लॉस फाइनेंशियल लॉस, तो वो अपने सारे राइट ट्रांसफ़र कर देता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ राइट फ्रॉम इंश्योर्ड पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी इज़ नोन एज सबरोगेशन, अपने राइट ट्रांसफ़र करने, जब उसका लॉस हुआ उसने क्लेम फाइल किया, ठीक है, तो उसके राइट ट्रांसफ़र हो गए, तो वो उसको बोलेंगे सबरोगेशन। सबरोगेशन इंश्योर टू थिंग्स, सबरोगेशन दो चीज़ इंश्योर करता है, पहली कि जो हैविंग पेड क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी गेट्स अ राइट टू मेक अ गुड डैमेज फ्रॉम द पार्टी हु कॉज्ड द लॉस, ठीक है, उसका अच्छा करना जो जिसका नुकसान हुआ है, और दूसरा हैविंग बीन इंडेमनीफाइड बाय द इंश्योरर, अगर उसने इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को इंडेमनीफाई कर दिया, उसका लॉस का कंपनसेशन कर दिया है, द इंश्योर्ड डज नॉट रिटेन द राइट टू गेट कंपनसेटेड फ्रॉम द पार्टी हु कॉज्ड द लॉस, ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है, इंश्योरर ने इंश्योर्ड का लॉस कंपनसेट कर दिया है, उसका पे कर दिया है क्लेम, तो उसका कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि अपने राइट उसने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया ड्यू टू सबरोगेशन, तो उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो कंपनसेट ले थर्ड पार्टी से जिसने नुकसान किया है और उससे कोई प्रॉफिट ना बनाए फ्रॉम द इंश्योरेंस। डेफिनेशन दी है, ठीक है, बस यही बताया है कि अनदर सबरोगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी यूजेज रिकवर क्लेम अमाउंट पेड टू द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द नेगलिजेंट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की नेगलिजेंट की वजह से अगर कोई पॉलिसी होल्डर को
पे करता है तो वो सबरोगेशन के बिहाव पे वो उससे ले सकती है, ठीक है। सबरोगेशन कैन ऑल्सो डिफाइंड एज ए सरेंडर ऑफ राइट्स, तो वो राइट्स का सरेंडर है कि वो सरेंडर कर देती है इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योर्ड सरेंडर कर देता अपने राइट्स इंश्योरेंस कंपनी को जब उसका कोई किसी थर्ड पार्टी की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से होता है, ठीक है, क्लेम के टाइम। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन इंश्योर्स, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन इंश्योर करता है दैट इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट सफर ड्यू टू नेग्लिजेंस, कि वो नेग्लिजेंसी के कारण कोई लॉस ही नहीं सफर होना चाहिए, मिस्टेक और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है। सबरोगेशन इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट सफर, वो सफ़र नहीं करेगी किसी की नेग्लिजेंसी, मिस्टेक, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर थर्ड पार्टी का, ठीक है। सबरोगेशन डज रिड्यूस द इंश्योरर्स लॉसेज, इसीलिए सबरोगेशन है वो इंश्योरेंस कंपनीज का लॉसेज कम करती है, ठीक है। ऑल्सो जस्टिफाइज डीम्ड दैट, दो कहते भावें इंश्योरेंस कंपनी सेटल क्लेम सेटल करती है बट वो थर्ड पार्टी उस जिसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, नॉट एब्सोल्वड हिज और हिज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सबरोगेशन इंश्योर्स दैट इंश्योर डज नॉट गेट कंपनसेट मोर देन वंस, अभी उसने इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेट ले लिया तो कहती है सबरोगेशन इंश्योर करती है कि वो कंपनसेट ना ले किसी दूसरी पार्टी से भी, ठीक है। एग्जांपल दिए यहाँ पे, एग्जांपल में एक किशोर है जिसकी ड्यू टू नेग्लिजेंटी, किशोर की नेग्लिजेंटी ड्राइविंग के कारण वो अपनी कार अमिताभ की गाड़ी में जाके लगा देता है, मार देता है, ठीक है, जिसमें 10,000 का नुकसान हो गया अमिताभ का कार का। अभी अमिताभ का मोटर इंश्योरेंस है तो वो क्लेम फाइल करता है 10,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको डमनीफाई करती है, उसको 10,000 पेमेंट कर देती है अमिताभ नाउ अवतार फॉर डैमेज हिज कार। ओके, आफ्टर कहते हैं आफ्टर डमनीकेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अभी डमनीफिकेशन कर दी इंश्योरेंस कंपनी ने तो अमिताभ रिकवर द डैमेज फॉर द किशोर, तो अभी अमिताभ किशोर से जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से उसका नुकसान हुआ है तो वो उससे भी पैसे ना ले, ठीक है, तो वो सबरोगेशन जो प्रोसेस ऑफ सबरोगेशन वो इंश्योर करती है ये वाली चीज़। नेक्स्ट है इंश्योरर कैनॉट प्रॉफिट, अभी उसके इंश्योरर्स के पास, अभी इंश्योर ने अपना राइट ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, तो अभी इंश्योर्ड सबरोगेशन की वजह से जो थर्ड पार्टी है उसे ज़्यादा पेमेंट नहीं ले सकता। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी एंटाइटल्ड टू रिकवर मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, उसके पास वो है कि वो उससे पेमेंट कलेक्ट कर सकता है इंश्योर्ड थर्ड पार्टी से इंश्योरर, ठीक है, बट ओनली टू द एक्सटेंट इट हैज़ पेड कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड पर्सन, बट उतनी जितनी उसने इंश्योर्ड बंदे को, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको पेमेंट की है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट रिकवर मोर देन व्हाट इट हैज़ पेड टू द एज अ कंपनसेशन, अब बट वो उससे ज़्यादा नहीं भी पे उससे मांगेगा नहीं जो उसने इंश्योर्ड को पे किया है एज ए कंपनसेशन। सो सबरोगेशन मेक श्योर, और सबरोगेशन मेक श्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड की तरह उससे कोई प्रॉफिट ना ले, ठीक है। कहते जैसे ऊपर एग्जांपल दी थी कि इंश्योरेंस कंपनी रिकवर नहीं कर सकती किशोर से मोर देन 10,000, ठीक है, वो 10,000 उसका लॉस था, अगर वो उसने अगर किशोर अमिताभ को 10,000 रुपये दे देता, ठीक है, तो वो उसे 10,000 लेगी और उससे ज़्यादा लेगी तो वो उसको ब्रीच करेगी सबरोगेशन के इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में है कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि अगर एक किसी बंदे की एक पॉलिसी से ज़्यादा पॉलिसी है किसी एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर, ठीक है, एक किसी की एक चीज़ की उसने दो या तीन ज़्यादा पॉलिसी करवा रखी है तो इंश्योर्ड का राइट नहीं है कि वो सारी कंपनियों से कंपनसेशन ले, ठीक है। इन विच द केस विल रिकवर मोर देन लॉसेज और इवन प्रॉफिट, और उससे वो एक लॉसेज से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं उठा सकता इंश्योरेंस कंपनी से। एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, करण कहते करण ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपने घर के लिए डिफरेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, एक तो 50,000 की ली है एक ABC से और 1,00,000 की ली है XYZ से, दो कंपनी से ABC और XYZ। कहते अगर घर में आग लग गई उसमें लॉस हुआ 45,000 का, 45,000 का, ठीक है, करण अभी क्लेम फाइल करता है दोनों कंपनियों में, ठीक है। अभी इन दिस केस कहते करण प्रॉफिट नहीं बना सकता 45,000 का, ठीक है, मतलब प्रॉफिट उनको क्लेम चाहिए, ठीक है, वो उससे कैन नॉट बाय क्लेमिंग 45,000, अभी 45,000 बनाएगा तो वो नहीं कर सकता दोनों कंपनियों से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो दो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी अपना अपना प्रपोर्शन, अभी ABC का 50,000 है सम इंश्योर्ड
और एक्स वाई जेड का 1 लाख, तो अपने अकॉर्डिंग वो 50%, ठीक है, इसका 50% वो पे करेगी। जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जो एबीसी कंपनी है वो अपना 15,000 देगी अमाउंट, और जो दूसरी कंपनी एक्स वाई जेड वो अपना 30,000, ठीक है। तो जैसे उसका करण का जो लॉस हुआ था 45,000, तो उसका वो कंपनसेशन हो जाएगा बाय द टू कंपनी कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पे दिया है एक प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर ओ टू थिंग्स। अभी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू थिंग्स इंश्योर करता है, एक तो करता है कि जो इंश्योर्ड है वो प्रॉफिट ना कमाए कोई सेपरेट क्लेम, ठीक है, मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से एक इवेंट के लिए, और दूसरा जो जो ईच इंश्योरर पे ओनली द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द लॉस, और ये इंश्योर करता है कि जो दो कंपनीज है दोनों, तो वो अपना अपना प्रॉपर शेयर लॉस में प्रोपोर्शन अपना प्रोपोर्शन दे। कहते जो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन है वो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में, ठीक है। कहते दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है कि जो लाइफ एंड ह्यूमन है वो सफरिंग वो उसको असेस नहीं कर सकते पूरी, और पूरी तरह हम उसको कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी असेस भी नहीं कर सकती और ना ही उसको कंपनसेट कर सकती है। यहाँ पे एक बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमिनिटी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमिनिटी होता है तो वहीं पे सबरोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कहते हैं ये टू प्रिंसिपल्स हैं वो लाइफ इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। फिर वही एग्जांपल दी हुई है कि एक बंदे ने एबीसी से 5 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली रखी है, एक बंदे ने दो डिफरेंट कंपनी से, एक तो 5 लाख की दूसरी 10 लाख की, अगर उसकी बंदे की डेथ हो जाती है तो नॉमिनीज को 15 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है, वो दोनों। तो इसलिए ये प्रूफ होता है कि उससे इस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल लागू नहीं हो रहा। बट फिर भी कहते हैं, हाउएवर, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट की बात आती है तो वो रिइंबर्सेबल होती है, ठीक है, उसको जितना उसका लॉस हुआ है उसको उतना पैसे मिल जाएंगे जितना उसका बिल है। तो कहते हैं इट विल पेबल ओनली अप टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वही वो उतनी पेमेंट होगी जितना उसका खर्च हुआ है हॉस्पिटल में।